हेलो एवरीवन वन माई सेल लक्ष्मी चंद फ्रॉम मैथेमेटिक सॉल्यूशन मैंने कुछ थर्टीन क्वेश्चन आपके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जो आपका ट्राइंगल पार्ट वन के नाम से है अब कुछ क्वेश्चन इसके एम सी क्यों में अब इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज़ नाइन्टी डिग्री एंड दिस सी पी इज अ परपेंडिकुलर अब आपका ये परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल का जो एरिया ए बी सी का होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट पी सी हो जाएगा हाफ सी इन पी दैट इज पी सी हाफ पी सी और मैं आपका बेस यदि सी भी लेता हूँ और ये हाइट लेता हूँ तो इसका एरिया हाफ ए बी तो अब इसी ट्राइंगल का एरिया मीन्स बी टू विल बी इक्वल इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी पी ये आपका रिलेशन निकल के आएगा अब इस ट्राइंगल में ए बी सी मैंने पाथाकुरा अप्लाई किया तो ए बी का स्क्वायर hypotenuse टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ए बी आपका सी है बी आपका ए सी बी है और आपका ये ए है तो ये आपकी स्क्वायर्स हो गए अब मैंने यहाँ पर इसमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें सी की वैल्यू आपकी ए बी अपॉन पी तो ए बी अपॉन पी सी को पुट किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इजक्ल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्यर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्र अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट वन अपॉन पी स्क्र इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर और वन अपॉन बी स्क्वायर तो ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा अब वगैरह इन एव क्वेश्चन देन ए बी देट विल बी इक्वल टू पी सी यू हैूव्ड हेयर सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वारिलेटर ए बी सी डी इज सिमिलर टू क्वारेटर पी क्यू आर कोई भी क्वाडिलेटर आपके सिमिलर हैं देन करस्पोंडिंग एंगल्स विल भी इक्वल एंड रेशियो ऑफ द करस्पोंडिंग साइड विल ऑल्सो भी इक्वल तो आपका ये पी क्यू तो पी क्यू दैट विल भी करस्पोंडिंग टू ए बी सो पी क्यू इज़ टू ए बी दैट विल भी इक्वल टू पी एस इज टू ए डी तो ये आपका यहाँ एक्स अपॉइंट फिफ्टीन इज इक्वल टू एट अपॉइंट ट्वेंटी ऑन सिंप्लीफिकेशन इट विल बी सिक्स यूनिट सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस नेक्स्ट इन इक्वेलेटर ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज मीडियम अब इक्वलर ट्राइंगल में कोई भी मीडियन है वो आल्टीट्यूड भी होती है और वो एंगल बाई सेक्टर भी होता है तो ये बेस को बाइसेकट करेगा तो और ये नाइन्टी डिग्री भी है तो इसमें आपका इन ट्राइंगल ए बी डी बाई पाथवोर स्थरम ए बी स्क्वायर इजल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड बी डी इज हाफ ऑफ बी सी सो बी सी हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर बाई फोर देन ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई फोर बट इन इक्विलेटेड ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी तीनों साइड आपकी इक्वल होंगी सो मीन्स दिस बी सी कैन बी रिटन एज ए बी तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिट्स विल बी थ्री ए बी स्क्र इज इक्वल टू फोर ए डी स्क्वायेयर सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायेर इज इक्ल टू टू ए बी स्क्वायेयर एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इट इज गिविंग एंड वी हैव ए सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर सो दिस टू ए बी स्क्र कैन बी एटेन एज ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इन दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो और ए बी आपका बी सी की इक्वल है तो इस ए बी को आप बी सी से रिप्लेस कर सकते हो दैन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब कन्वर्स ऑफ पाथागोरस से यदि कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर की इक्वल है तो इस तीसरी साइड का जो अपोजिट एंगल होगा दैट विल बी नाइन्टी डिग्री इट मीन्स दिस ट्रा एंगल दैट विल बी नाइन्टी अपोजिट एंगल दैट विल बी 90 डिग्री ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पीक्वायर बोथ आर सिमिलर एंड रेशियो ऑफ देयर बाई सेक्टर इज दिस तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कोई भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके बाई सेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है उनकी मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है उनके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के मीडियन ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है तो आपको ये मीडियन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो मैंने बाई के स्क्वायर के ईक्वर रख दिया है तो बाईस स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी फोर अपॉन नाइन सो रेशियो दैट इज द फोर अपॉन नाइन इन अ अट्रपीजियम ए बी सी डी ए बी इज पैल टू दिस एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ अभी आपका ट्रपीजियम है तो इट मीन्स ये दोनों लाइन आपकी पैल होंगी ये एंगल आपके इक्वल हो गए और ये वर्टिकली इट मीन्स ये ट्राइंगल आपका इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा अब जब टू ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के तो एरिया ऑफ एओबी टू एरिया ऑफ सी ओडी दैट इज करेस्पॉन्डिंग साइड एओबी मीनस ए बी स्क्वायर एंड सी ओडी दैट मीन सी डी स्क्वायर अब यहां दे रखा है कि ए बी इक्वल टू थ्री सी डी तो मैंने इसको थ्री सी डी लिया उसका स्क्वायर करेंगे दैट विल बी नाइन सी डी स्क्वायर तो नाइन इज टू वन तो ये आपका एरिया होगा इसका टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया देन दे आर कॉन्ग्रो नेक्स्ट इन ए ट्रपीजियम ए बी सी डी ए बी इज पैल टू सी डी ये लाइन आपके इसके पैलल है एंड पी आर इज ऑल्सो पैल टू ए बी इट मीन्स दीज थ्री लाइन्स आर पैरल टू इच अदर अब मैं इस ट्रैंगल में देखता हूँ ए डी और सी पी क्यू इज पैल दे आर फोर ए पी टू पी डी ए पी टू ए डी सॉरी इज इक्वल टू पी क्यू टू सी डी बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये आपके करस्पॉन्ड एंगल से इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल इनमें कॉमन होगा तो आपके सिमिलर हैं तो आपका रेशियो तो आपका ये पार्ट थ्री इज़ टू इन्होंने दे रखा है पी डी थ्री इज टू फोर तो मुझे ये पार्ट से ये थ्री और ये फुल पार्ट हो जाएगा आपका सेवन तो मैंने थ्री अपॉइन्ट सेवन लिखा हुआ है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी क्यू इज इक्वल टू थ्री सी डी अपॉइंट सेवन सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल का एंगल एंड दिस इज द कॉमन एंगल इट मीन्स ट्राइंगल दिस विल बी सिमिलर टू ए बी ए बी सी तो करेस्पिंग साइड्स क्यू आर इज टू ए बी दैट विल इक्वल टू आर सी इज टू सी बी तो ये मैंने आर सी इज टू सी बी और क्यू आर टू ए बी लिखा हुआ है तो ये पार्ट आपका थ्री तो ये आपका फोर तो आपका ये फोर इज टू सेवन ये आपका फोर इज टू सेवन आ जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू फोर इज टू सेवन ए बी अब मुझे फाइंड आउट करना है पी आर तो मैं पी क्यू और क्यू आर दोनों को ऐड कर दूंगा तो पी क्यू प्लस क्यू आर तो ये थ्री सी डी अपॉइंट सेवन था ये आपका फोर ए बी अपॉइंट सेवन था वन अपॉन सेवन आपने कॉमन निकाल लिया तो आप इसको मैच कर दो आपका क्यू आर आपने यहाँ फाइंड आउट किया है फोर अपॉइंट सेवन ए बी ये आपका ये मैच हो जाएगा ये आप मैच हो जाएगा सामने है इसके वो तो आपका थ्री अपॉइंट सेवन ये इसको मैच कर देंगे आप और पी आर दिस इज लास्ट ऑप्शन सो दिस विल बी नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल बी इज नाइन्टी डिग्री एंड ए क्यू एन की पी सी आर मीडियंस अब मीडियन है तो आपका ये साइड इसके इक्वल होगी और आपकी ये साइड दोनों इस साइड के इक्वल हो जाएंगी बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर यू विल गेट ए की स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब मैंने इस टाइंगल में अप्लाई किया है पी सी बी में तो आपका पी सी स्क्वायर दैट विल्वल टू पी वी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और पी बी आपका है ए बी अपॉन टू तो ए बी स्क्वायर बाई फोर प्लस बी सी स्क्वायर तो ये आपका बाई मल्टीप्लीस ऑफ फोर फोर पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी स्क्वायर तो आपका ये सेकेंड आपका ऑप्शन अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो फोर ए सी और फोर PC square or A key square that will be 5 AB square plus 5 BC square. But in this triangle, AC square that is equal to AB square plus BC square. So that will be AC square. Then match the table. So 4 A key square you have calculated this 4 ABBC. So this is a match with this one. And 4 PC that is a AB or 4 BC. So this is a PC 4 BC and a 4 BC square and AB square. This one. एंड ए सी स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिस वन और लास्ट इज अ दिस नेक्स्ट है इन इक्ुलेटेड ट्राइंगल ए बी सी एडी इज मीडियन एंड इज द पॉइंट ऑन बी सी सच देट बी इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ बी सी तो मैंने आपको लिया है कि जो इसने साइड दे रखी है बी सी इज एक्स इसको आपने एक्स लिया है ये आपका बी वन थर्ड है तो आपका एक्स अपॉन थ्री हो जाएगा ये आपका ए डी पर पेंडिकुलर है इसमें आपका ए डी मीडियन है मीडियन आपका इक्वलर ट्राइंगल परपेंडिकुलर भी होता है तो आपका ये बाई करेगा बेस को तो डी सी आपका एक्स वाई टू और बी डी भी आपका एक्स वाई टू जाएगा तो जब बी डी एक्स वाई टू है तो मेरा ई डी जो होगा बी डी में से मैंने बी ए को माइनस कर दिया है सो दैट विल बी एक्स वाई टू माइनस एक्स अपॉन थ्री मीन्स एक्स अपॉन सिक्स अब मैंने इस ट्राइंगल में अप्लाई किया कि ए ई स्क्वायर इज दिस इन दिस ट्राइंगल तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर तो ई डी स्क्वायर मेरा एक्स वाई सिक्स था तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया तो दिस इज द ए ई स्क्वायर तो ये आपका ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई अब आपका ए बी स्क्वायर मैंने इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी डी इसमें अप्लाई किया है तो ए बी स्क्वायर जो है आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और ए बी स्क्वायर जो आपका ए ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है ए डी तो आपको ए डी को मैंने रिप्लेस कर दिया है और इन वैल्यू को मैंने पुट किया है बी डी आपका जो निकला हुआ था बी डी बी डी इज आ एक्स वाई टू तो ये एक्स स्क्वायर वाई फोर हो गया ई डी आपने ये निकाला हुआ एक्स वाई सिक्स ये एक्सक्वाई थर्टी सिक्स हो गया ए आपको यहीं पर मैंने छोड़ दिया अभी और ए AB, बी आपका ए बी स्क्वायर चल रहा है देन ए बी स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर फोर इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया दैट विल बी एट एक्स स्क्वायर अपॉन थर्टी सिक्स फोर के कैंसिले से टू आ जाएगा ये आपका नाइन अब ये टू एक्स स्क्वायर अपन नाइन से मैंने होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया दैन नाइन ए बी स्क्र इज्ल टू नाइन ई स्क्र प्लस टू एक्स अब एक्स दैट इज बी सी सो बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज इट इज इक्विलेटेड ट्राइंगल सो एक्स इज ऑल्सो ए बी तो टू ए बी स्क्वायर आपके यहाँ पर हैं नाइन ए बी हैं आपको इधर लेके आओगे सेवन ए बी स्क्र दैट इज इक्वल टू नाइन ए डी स्क्वायर मैच दिस टेबल सो ई डी सो यू हैव कैलकुलेटेड एक्स वाई सिक्स सो इट विल बी मैच विद दिस वन And BE, you have calculated x, y, 3. So, this is equal to this one. And AE square, AE square is AD square plus x square by 36. AE square, this is x square, AD square plus x square by 36. Or A, AD square plus BD square, this one the AB square. And uh, last option that is uh, 9A. Thank you, students. Thank you for watching.